हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये सुबह नहीं है, लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और सुबह गर्मी बहुत थी। जिम गई, घर आई, फिर आज हर्षित के पापा कल ही ड्यूटी चले गए थे और घर के काम किए। आज मैंने मठे के आलू बनाए थे और कृति मठे के आलू नहीं खाती है, तो उसके लिए मैंने 4 आलू रख दिए थे ताकि आलू के पराठे खिलाऊं। और कृति ने भी सुबह हम लोगों ने तरबूज खा लिया, फिर डिनर लंच नहीं किया और अब शाम को उठे हैं और भूख लगी है और कृति के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। कुछ ऐसी चीज बनाती हूँ तो हर्षित की याद बहुत आती है। आज का व्लॉग चालू करते हैं आलू के पराठों से। मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ देसी घी में। और पता है हर्षित को ना आलू के पराठे बहुत पसंद है। अगर हर्षित होता है ना तो उसको मैं आलू के पराठे पूरे खिला देती हूँ पेट भर के। उसके बाद भी वो ये कहता है, मम्मी मेरे लिए 2 पराठे एक्स्ट्रा बना के रख देना, मैं बाद में फिर खाऊंगा। उसे इतने पसंद है आलू के पराठे। और ऐसी चीज बनाती हूँ ना उसकी फेवरेट, तो मुझे उसकी याद बहुत आती है कि वो यहाँ होता तो मैं उसे अपने हाथों से गरम गरम आलू के पराठे बना के खिला। चलो क्या ही कर सकते हैं, अभी तो मैं कृति को खिला रही हूँ। कृति ले जा, कृति मांग ला रही है। कई लोग आलू के पराठे के साथ दही में नमक डालते हैं, काला नमक डालते हैं, और मेरे बच्चे चीनी डालते हैं। दही में चीनी डाल के आलू के पराठे खाते हैं। ओह, मैं बल्कि उनसे ही कहती तुम लोग करारा सा पराठा, नमक वाला पराठा चीनी वाले दही के साथ कैसे खा सकते हो, मगर उन्हें पसंद आता है चीनी वाला दही। नमक वाला दही ये लोग खाते ही नहीं। अब कृति उसका डिनर और लंच लगभग एक ही है। अगर वो 6:30 बजे अगर खाना खा रही है तो शायद ही अब रात को खाएगी। और रात को मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं अभी तरबूज खाऊंगी अपने डिनर में। ऊपर आ गई हूँ और डिनर करूंगी अपना। लाई हूँ खरबूजा। बाहर बैठूंगी और डिनर करूंगी, पौधों में पानी दूंगी और फिर अपना सिलाई का काम भी करूंगी।
और शाम का समय हो या सुबह का समय हो, मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना हरियाली भी हो गई है, खूब अच्छे पेड़ पौधे चल रहे हैं मेरे, और ये देखो वाइट गुलाब इसमें बहुत अच्छा खिलता है और काफ़ी फूल भी आ रहे हैं इसमें, लाल गुलाब है, वाइट गुलाब है और खूब अच्छा चलता है। और ऊपर मैंने ना पंखा भी लगवा लिया है और यहाँ बैठ जाती हूँ तो सुकून भरा टाइम मेरा निकलता है। सामने देखती रहती हूँ आने जाने वालों को और समय कहाँ कट जाता है पता भी नहीं चलता। और ये देखो मेरा डिनर भी हो गया, आप चलिए अपने काम पे। अब थोड़ा सा सिलाई का काम कर रही हूँ और एक सूट सिल चुका है। अच्छा लगता है ये दोनों सूट सिल जाए, फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसे था। और इसका प्लाजो भी सिल गया है सिंपल, 10 इंच का मैंने इसका 10 इंच मोहरी का प्लाजो लिया है। मुझे 10 इंच मोहरी का ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा खुला डुल्ला। मैं वही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे फैशन के हिसाब से नहीं, मेरी बॉडी के हिसाब से चाहिए, मुझे कंफर्टेबल वाले कपड़े ही चाहिए। आ गए हैं सिलाई मास्टर अपनी सिलाई वाली मशीन। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं अपने अस्तर वाले सूट को सिल लेती हूँ, देखती हूँ कितना सिल पाऊंगी आज की डेट में, क्योंकि ये अस्तर वाला है और इसको समय तो चाहिए। ये प्लाजो है, ये कुर्ता है, तो पहले मैं कुर्ता सिल लेती हूँ। नमस्ते, और कैसी है नव्या? मैं ठीक हूँ। कब आई है? मैं अभी जस्ट आई। जस्ट में भी आई है? हाँ। और मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक है। और मेरा ब्लॉग देखती है? बहुत पसंद है मेरे पापा को। अच्छा हाँ। ये देखो ये बेंगलोर से आए हैं और ये वहाँ पे भी मेरा ब्लॉग देखती है, और मुझे विश्वास नहीं होता बच्चों को मेरा ब्लॉग कैसे पसंद आता है। क्या अच्छा लगता है आपका जो बेसिकली कंटेंट है, आपकी सारी रेसिपीज, और मेरी मम्मी आपकी सारी रेसिपीज देखती है, उनको सीखती है, उनको ट्राई भी करती है, ऐसे उन्हें बहुत मजा आता है। जब भी आपका नया ब्लॉग आता है तुरंत हम सबसे पहला व्यू रहते हैं। चलो अच्छा, तो हमारे फॉलोवर्स को भी कह दो कि हमारा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज कोमल खन्ना ब्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और उन्हें ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय। चलो 8:30 बज चुके हैं और आधा कुर्ता मेरा तैयार है, अस्तर लग गया है, गले बन गए हैं, जॉइंट भी हो गया है, बस बाजू रह गई है और थोड़ा साइड की चाद है, वो या तो मैं रात को आगे करूँगी या फिर कल करूँगी। नीचे चलती हूँ, डिनर की तैयारी करती हूँ, क्योंकि कृति ने तो आलू के पराठे खाने लिए मम्मी ने दिया था, उनको खाना चाहती हूँ।
चलो अब मैं मम्मी को खाना देती हूँ और अपना ब्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट।